हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, मैं कई बार आपके साथ बेकरी की रेसिपी शेयर करता हूं। सो वैसी फ्रेंड्स, जो मैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो फ्रूट बन की रेसिपी लेके आया हूं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि जो मैं आपको साथ रेसिपीज वगैरह शेयर करता हूं आपको पसंद आती है। मतलब कोई बोलता है कि पूरी वीडियो वगैरह दिखाओ, क्योंकि टाइम हमें मिलता नहीं है पूरी वीडियो दिखाने का। सो मैं आपको सोचता हूं कि रेसिपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके साथ मेथड और मैं बेकिंग बताता हूं फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से उसकी मेथड का आपको यूज़ करना है, प्रूविंग किस तरह से करनी है, बेकिंग किस तरह से करनी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रूट बन की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट की। आप पहले जो इंग्रेडिएंट है उसको मेजरमेंट कर लेना। ये मैं एक किलो की रेसिपी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्लावर आपको लेना है एक किलो, शुगर इसमें लोगे 150 ग्राम, सॉल्ट इसमें 20 ग्राम जाएगा, ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन इसमें 8 ग्राम जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑयल जाएगा वो 100 ग्राम जाएगा। इसमें कई जगह फ्रेंड्स, कई लोग इसमें ऑयल की जगह बटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको ऑयल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑयल से थोड़ी सॉफ्टनेस आती है। जो बटर होता है फ्रेंड्स, बटर टेस्ट के लिए थोड़ा अच्छा होता है, सो इसलिए फ्रेंड्स कई लोग उसमें ऑयल भी यूज़ करते हैं और बटर भी यूज़ करते हैं। ईस्ट इसमें 30 ग्राम है और वाटर जो इसकी क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो 500 ग्राम से लेकर 550 ग्राम के बीच में। इसका जो डो लगाओगे फ्रेंड्स थोड़ा टाइट ही रखना, क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा ढीला हो सकता है बाद में। सो इसलिए इसका डो थोड़ा टाइट रखना। और जो आप वाटर यूज़ करोगे, आप वाटर और मिल्क दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक साथ यूज़ कर सकते हो। इसमें टूटी फ्रूटी भी जाता है। टूटी फ्रूटी वो होता है जो ऊपर से जो लाल पीले हरे दाने जो होते हैं, जो पम्पकिन से बनते हैं, पम्पकिन जो पपीता होता है उसको सुखाने के बाद उसका जो फ्लेवर होता है उस चीज़ से बनते हैं फ्रेंड्स वो टूटी फ्रूटी। 100 ग्राम जाएगा और जो इसमें मिल्क पाउडर जाएगा 10 ग्राम जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी इसकी रेसिपी जो मैंने आपके साथ बता दिया, शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, ग्लूटेन, मिल्क पाउडर, वाटर और टूटी फ्रूटी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आप कैल्शियम पाउडर भी डाल सकते हो। कैल्शियम पाउडर का जो वेट होगा फ्रेंड्स वो 2 से 3 ग्राम लेना, उसको ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसमें कई रेसिपी में फ्रेंड्स लेमन जूस और लैक्टिक एसिड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो लेमन जूस डाल देना, मतलब एक दो ढक्कन, या फिर आप लैक्टिक एसिड डालना चाहे तो वो भी आप 2-3 ग्राम वो भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे इसकी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी वैसे जरूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं इसके मेथड और इसकी बेकिंग की। इसमें जो मैंने आपको शुगर और मिल्क पाउडर बताया हुआ फ्रेंड्स वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 150 ग्राम इसमें शुगर है और इसमें 10 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि अगर आप इसमें वाटर और मिल्क को अगर एक साथ डालना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो फ्रूट बन है वो थोड़ा सा स्वीट रहता है, इसमें टूटी फ्रूटी वगैरह भी यूज़ होती है, सो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा जो अपनी शुगर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा डाला जाता है। अब जितने भी अपने इंग्रेडिएंट है वो उसको एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने मतलब की है कि आपको डो एक साथ लगाना है फ्रेंड्स। डो लगाने के बाद फ्रेंड्स उसको पर शेप के हिसाब से आपको काट लेना है। बनाना आपको राउंड शेप में ही है, जैसे आप लोफ में बनाना चाहे तो वो भी ठीक है, और अगर आप इसे राउंड शेप में बर्गर के तौर पे बनाना चाहे स्वीट बन के हिसाब से तो वो भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसका जो वेट होगा करीबन 80 से लेकर इसको 100 ग्राम के बीच में, उसको पर ईच आपने जो बन का जो ब्रेड है उस चीज़ को काट लेना। और अगर ब्रेडे बना रहे हो 400 ग्राम के हिसाब से ब्रेड का जो डो है उससे बना सकते हो फ्रेंड्स। आपको बताया हुआ कि डो की क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, मतलब कि जो डो की जो क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, अगर उसे खींचोगे तो उसकी स्ट्रेंथ में पता चलेगा कि डो कितना हमारा अच्छा हो रहा है। सो उसके बाद आप चाहे तो उसे बर्गर बन बनाना चाहो, कुछ मिनी बन बनाना चाहो, कोई सॉफ्ट रोल तौर के बनाना चाहो, सो वो भी कई शेपों में उसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर सिंपल तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मार्केट के तौर पर, या फिर आप लोफ वाली ब्रेड जो आती है 400 ग्राम की उसमें बनाए, या फिर जो बर्गर बन के तौर पर आते हैं स्वीट बन के हिसाब से, सो वो भी आप 80 से लेकर 100 ग्राम के बीच में उसको काट के उसका वेट कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स उसको आपको प्रूफिंग करना है। उसका जो टाइम होगा फ्रेंड्स करीबन 25 से लेकर 30 मिनट तक उसको प्रूफ पे डालना है। फिर उसके बाद उसकी बेकिंग होगी फ्रेंड्स। उसका जो बेकिंग मैंने आपको बताया हुआ कि डेक वन और कॉम्बी वन का अलग अलग टेम्परेचर पर उसका बेक होता है। जो डेक वन का होता है वो 220 से लेकर 230 उसकी डिग्री पे होगा फ्रेंड्स, करीबन 15 से 16 मिनट तक। और इसी बात कर लो आपको कॉम्बी ओवन में, कॉम्बी ओवन में इसका जो टेम्परेचर होगा वो 190 डिग्री पे होगा, वो भी फ्रेंड्स 10 से लेके 12 मिनट तक पकेगा। उसकी ज़्यादा बेकिंग नहीं होती है, क्योंकि जो उसके अंदर से उसका खाली उसका ऊपर से कलर और प्रॉपर बेकिंग चीज होती है, जो कि हाई टेम्परेचर पर आ जाती है, उसकी बेकिंग भी हो जाती है और उसमें कलर भी आ जाता है। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जब आपकी प्रूफिंग हो जाती है ब्रेड है तो जब आप उसे बेकिंग करोगे तो ऊपर से उसमें कुछ टूटी फ्रूटी वगैरह डाल सकते हो और अपनी जो ग्रेन शुगर आती है उस चीज़ को डालना फ्रेंड्स, जिससे कि वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप उसकी बेकिंग कर लेना। बेकिंग करने के बाद जब वो बेक होकर आ जाता है तो ऊपर से आप में ऑयल लगाना फ्रेंड्स, उससे जो शाइनिंग हो जाती है वो भी आती है। जो अपने कम वाले वेट वाले होते हैं, मतलब जो 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होते हैं, उनका जो आप टेम्परेचर पे देखोगे वो हाई हीट पे होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसको पकाना होता है, कलर जल्दी लेके आना है, तो वो ब्रेड जो है जल्दी पक जाती है।
अगर आप बात करोगे अपनी सैंडविच वाली ब्रेडों में, जंबो वाली ब्रेडों में, तो आप उसका जो टेम्परेचर देखोगे वो करीबन 190 डिग्री पे देखोगे, वो करीबन 45 से लेके 50 मिनट तक उसकी बेकिंग होगी जंबो वाली ब्रेड का। इसलिए फ्रेंड्स इसलिए कम टेम्परेचर पे इसलिए पकाया जाता है कि वो धीरे धीरे बेकिंग हो और अंदर से लेके पूरे बाहर तक उसकी प्रॉपर बेकिंग होती है। सो इसलिए फ्रेंड्स उसको कम टेम्परेचर पकाया जाता है और उसमें प्रूफिंग भी ज़्यादा की जाती है। मुकाबले अगर आप देखोगे जो अपनी 100 ग्राम की ब्रेड होती है, 150 ग्राम की ब्रेड होती है, उनका जो टेम्परेचर होगा वो 200 डिग्री पर ऊपर ही होता है। इसलिए क्योंकि उसकी बेकिंग भी हमें देना है, उसमें कलर भी देना है, तो इसलिए उसकी टेम्परेचर जो है ज़्यादा रखी जाती है। आई होप फ्रेंड्स ये रेसिपी जो मैंने आपको बताई है फ्रूट बन के बारे में, और हाँ एक चीज़ और कमेंट में जरूर बता देना कि जो मैं आपको रेसिपी जो बताता हूँ वो आपको अच्छी लगती है, फिर मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी और लाता रहूँगा। फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई रेसिपी और नॉलेज के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।